आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फिश देखे होंगे, पर सबके मीट का कलर ऑलमोस्ट वाइट ही होता है। सालमन ही एक ऐसा फिश है जिसके अंदर उसके मीट का कलर ऑरेंजिश शेड में होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सालमन के मीट का या फिर उसके फ्लैश का कलर ऑरेंजिश कलर में क्यों होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं फूड और फूड के पे जो साइंस होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप अगर हर रोज कैरेट खाना शुरू कर दो तो आपके स्किन का कलर भी धीरे धीरे ऑरेंजिश कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से ऑरेंज नहीं होता, ऑरेंज के शेड्स में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। कैरेट में कैरेटिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कैरेट को उसका कलर और यही पिगमेंट हमारे ब्लड में जाने के बाद ऑरेंजिश शेड देता है। ओशंस में ऐसे ही बहुत सारे एल्गेस और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लैंकटॉन्स। इसमें एक पिगमेंट होता है एस्थाक्सैंथिन और ये एक रेड कलर का पिगमेंट है। जो भी एनिमल या फिर जो भी फिश इसे खाता है ये पिगमेंट उसके अंदर जाता है। फिशेस, कई तरह के फिशेस इस पिगमेंट को अपने स्किन में या फिर अपने ओवरीज में स्टोर करके रखते हैं और इसीलिए कई सारे फिशेस में उसके स्किन में कई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। पर सालमन एक ऐसा फिश है जो इस पिगमेंट को अपने मसल या फिर अपने फ्लैश में स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से उसको ये लाइट ऑरेंजिश कलर आता है। अब आप कहेंगे कि यह एस्थाक्सैंथिन तो रेड कलर का होता है पर यह सालमन में ऑरेंज कलर का क्यों हो जाता है। अब फूड चेन में सालमन जो है वो डायरेक्टली एल्गे या फिर इस छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं खाते। पहले प्रॉन्स जो होते हैं, प्रॉन्स खाते हैं इन एल्गे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से प्रॉन्स का कलर भी रेडिश या फिर लाइट रेड या फिर लाइट ऑरेंज होता है। और सालमन जो है वो प्रॉन्स को खाते हैं जिसकी वजह से ये पिगमेंट सालमन में जाता है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। सालमन में भी दो तरह के सालमन होते हैं, एक है वाइल्ड सालमन और एक है फार्म सालमन। फार्म सालमन का कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट ऑरेंज होता है और कभी कभी ये डार्क पिंक भी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फार्म सालमन है उनको डायरेक्टली वाइल्ड प्रॉन्स का एक्सेस नहीं मिलता, जिससे कि इन्हें नेचुरली प्रोड्यूस्ड जो एस्थाक्सैंथिन है उसे वो नहीं मिल पाते। अब जो फार्म सालमन है उसे ये पिगमेंट देने के लिए उस कंपनीज वाले उसमें इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड एस्थाक्सैंथिन जो पिगमेंट है वो सप्लीमेंट के तौर पे खिलाते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर बहुत ही ज़्यादा लाइटिश ऑरेंज होता है और पिंक कलर में भी होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा सालमन का कलर पिंक या फिर ऑरेंज क्यों होता है। ऐसे ही फूड और फूड के भी जो साइंस है उसे सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूड साइंस चैनल को। धन्यवाद।